आज की वीडियो है मम्मियों पर नहीं, इंटरनेट मॉमी पर। तो आखिर क्यों गालियां दे रहे हैं इन दोनों माँ बेटों के कमेंट बॉक्स में भर भर के लोग। बनाते होंगे कुछ लोग वीडियो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स ऐसी वाली, लेकिन इतने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी ऐसी वीडियो नहीं बनाते जो ये माँ बेटे ऐसे चिपक चिपक के बना रहे हैं। क्या कर रहे हो? आटा गूंद रहे हूं। खाने में क्या बनाया है? सब्जी। हली सही सब्जी नहीं बनानी आती तुमको? हली सही सब्जी नहीं है? नहीं, कोई टेस्टी सी। हरी सब्जी सब अच्छी होती है। टेस्टी सी? मैं गाय नहीं हूँ, हरी सब्जी खाऊंगा। जहाँ तक कि तुम लोग इस क्लिप में देख ही पा रहे हो कि कैसे इन दोनों माँ बेटों ने इस रिश्ते की भाई ऐसी वीडियो तो रचना मोमी का जो पति है उसने भी नहीं बनाई होगी ऐसी वीडियो। ऐसी वीडियो ये अपने बेटे के साथ बना रही है। रचना मोमी का कहीं ना कहीं दिमाग एक तरफ से ये भी चल रहा होगा कि रचना मोमी अपने वीडियो जो रील्स वीडियो है उनमें व्यूज लाना चाहती होगी, लेकिन टैलेंट नहीं होगा। तो रचना मोमी ने अपने बेटे के साथ में ये रचना रच कर इंस्टाग्राम रील्स पे डाल दी। माँ जी बहुत सोनी है, है ना? मैंने माँ बेटों के प्यार में लड़ाई देखी है, कुटाई देखी है, हाँ स्कूल नहीं जाने पर डंडे से मार देखी है, लेकिन शारीरिक संबंध पहली बार देखा है। देख रहे हो संबंध? रचना जी अपने बेटे को आप इतना ही प्यार करो जितना इंडिया में किया जाता है, जिस हिसाब से हर माँ अपने बेटे को करती है उस हिसाब से ही प्यार करो, वरना ये एक क्रोम पर एक कैटेगरी बन के रह सकती है ये वाला प्यार। हाँ अंकल जी आप बस सफाई ही करो, बाकी काम के लिए तो आपने अपना बेटा पैदा किया ही है। ये एक पहला बेटा है जो जिस बिल से बाहर निकला है उसी बिल के अंदर वापस घुसना चाहता है। रचना मम्मी का पति ये सोचता होगा कि कब मेरा बेटा सोएगा आखिर कब, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। बेटा ये सोचता है कि पापा कब सोएगा भाई, थकता नहीं है क्या सफाई वफाई करके। आम दोस्त एक दूसरे को कुछ ऐसा जानते हैं कि भाई वो गांडू कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया वो कल वाला जिसके हम मजे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रचना जी का लड़का अगर स्कूल या कॉलेज कहीं पर गया तो उसको ऐसे जानेंगे कि वो मोमी लवर कहाँ गया। अगर यही सारी रीले अगर मैं अंकल जी के साथ में देखता तो काश कभी जिंदगी में ये वीडियो भी नहीं बनाता। हाँ अगर ये अपने बेटे के साथ इतनी सारी वीडियो ना बनाकर अपने पति के साथ बनाती तो फिर मैं कभी खड़ा भी नहीं रहता। हाँ ये वीडियो लेकर फिर से पति पत्नी वाला प्यार। अंकल जी को छोड़ो भाई, अंकल जी बहुत बहुत दयालु है भाई, बोले अंकल जी सब कुछ दान कर देते अपना। अंकल जी को छोड़ो, बेटे को पकड़ो, बेटे को साथ करो। मैंने सोचा कि इनके इंस्टाग्राम से अब मैं थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ जाता हूँ तो मैंने ये देखा। पुत्र हटो यार, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। क्यों बैठना है? ले मैं तेरे ऊपर। ओए मेरे ऊपर मत लेटो भाई। थंबनेल पे लिखा हुआ था बीच सफर का लुफ्त। हाँ मैंने कार के अंदर का लुफ्त देखा, बीच सफर का लुफ्त तो मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। ऐसा थंबनेल भी ये लगाते हैं ताकि लोग ज्यादा क्लिक करें। हाँ ये लोग भी चाहते हैं कि ये सब हो। और बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। क्या ऐसा थंबनेल लगा कर क्लिक करवा के ऐसा लुफ्त दिखाना चाहते हैं ये लोग अपनी वीडियो में? ओए मेरे ऊपर मत लेटो भाई। चलो उठो। ओए बाल भी गाड़ रही है मेरे। ओ माय गॉड, काश कार में बैठ लेटने का भी सिस्टम होता। उठो ना अबे मेरे। मेरे जहाँ तक की देखा है कि जब मैंने देखा था क्रोम पे जाकर कि भाई जो ऐसा पार्ट होता था मस्ती मजाक का, हाँ जब नल सुधारने आता था वो, हाँ उसके बाद फिर क्या है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट होता है कैसे बनाना है वीडियो को, तो भाई उससे पहले कि हम पार्ट को स्किप कर देते हैं, हम नहीं देखते उसको भाई, हम डायरेक्ट वो देखते हैं। हाँ वो
तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझकर ये सब हरकतें कर रहे हैं ताकि ज्यादा इनको व्यूज आ सके? हाँ, वही हरकत है जो ये एक इंस्टाग्राम रील में करते हैं। खुद देख लेते, रास्ता ऐसा है, मेरी कोई गलती नहीं है। गिरे जा रहा है हमारे ऊपर बार बार, हमें दबा रहा है भाई, रास्ता ही ऐसा है। देख देखो गाइस, तो हम अभी पहुंचने वाले हैं। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं। मेरे ऊपर क्यों गिरा? रास्ता ही ऐसा है, मेरी क्या गलती है? रास्ता ऐसा है, मेरी कोई गलती नहीं है। गिरे जा रहा है हमारे ऊपर बार बार, हमें दबा रहा है भाई, रास्ता ही ऐसा है। इस लड़के की इन्हीं हरकतों की वजह से ही इसको कमेंट में हर इंसान यही लिख रहे हैं, मादर। हर रोज ये ऐसी ही वीडियो एक लेकर आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी क्लिपें हैं जो मैं दिखा नहीं सकता, दिखा दूंगा तो वीडियो गायब हो जाएगा। हाँ, तो मैं दिखा नहीं सकता, देखना है तो मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी दे सकता हूँ। ये जानबूझकर ही ऐसे थंबनेल और ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि इनके व्यूज आ सके। और इसके जो पापा है वो तो मेरे को दिखते नहीं कहीं से कहीं तक इसकी वीडियो में। ये जो दोनों हैं वो ही ये सारे कांड रच रहे हैं। ले गए दिल मेरा मन चली। दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा प्यार तुमको यही मिलेगा देखने के लिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? रचना जी के जितने भी ठरकी फॉलोअर्स है वो सारे इसके बेटे बनना चाहते हैं। घर की जिम्मेदारी उठाना चाहेगा? हाँ नहीं, ये तो माँ उठाना चाहेगा। हाँ, जो लोग कमेंट करके जो गाली देते हैं ये वो जो भी बोलते हैं अपने मन में आता है लेकिन करते भी ऐसा काम है, तो लोग तो देंगे ना गाली, क्यों नहीं देंगे, देंगे। लेकिन उसके बाद ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। और तुम लोग कैसे हो ना, तुम्हारी लैंग्वेज से पता चलता है यार, तुम बहुत गंदे हो। जो भी कमेंट्स करते तो क्यों ही ऐसा वीडियो क्रिएट करना और उसके बाद फिर गालियां खाना, फिर क्यों ही इसका भविष्य खराब करना? कौन देगा आपके बेटे को बहू? और अच्छा, उसकी तो उसको जरूरत नहीं है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जो भी लोग आए थे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और मैंने सेजल काली पे और उसकी बहन पे भी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को भी जाके तुम देख सकते हो। तो मैं तुमको मिलने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही।